नमस्कार, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज। नजर डालते हैं आज की खेल जगत की बड़ी खबरों पर। वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए बीसीसीआई का बैकअप प्लान तैयार। ऑलराउंडर शाहरुख खान और लेग स्पिनर साई किशोर स्टैंड बाय के लिए तैयार। 6 फरवरी से शुरू होगी सीरीज। 5 बीबीएल के स्टार आईपीएल में होंगे मालामाल। बेन और जेसन सांगा जैसे खिलाड़ियों पर रहेगी फ्रेंचाइजर्स की नजरें। खिलाड़ी पहले भी दिखा चुके हैं जलवा। टी20 सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज की टीम का ऐलान। वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में उतारे 16 खिलाड़ियों पर लगाया दांव। गेल और लुइस को फिर नहीं मिला मौका। जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच मैच के दौरान महसूस हुए भूकंप के झटके। 20 सेकंड तक कांपती रही धरती। स्टेडियम में हिले कैमरे। खिलाड़ियों को नहीं हुई कोई भनक। भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने की घोषणा। 2022 होगा उनका आखिरी सीजन। खेल जगत से संन्यास लेने की कही बात। ऑस्ट्रेलियन ओपन की चैंपियन बनी एशली बार्टी। 44 साल बाद किसी ऑस्ट्रेलियाई महिला ने जीता खिताब। फाइनल में कॉलिंस को 36-7 से दीमात। 13 फरवरी से शुरू हो सकता है रणजी ट्रॉफी का पहला चरण। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने दी जानकारी। कहा 2 चरणों में होगा टूर्नामेंट। पाकिस्तान सुपर लीग के 4th मुकाबले में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को 8 विकेट से हराया। 114 रनों के लक्ष्य के साथ क्वेटा ने हासिल की जीत। AICF ने एशियन गेम्स के लिए पूरी की तैयारियां। वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद भारतीय खिलाड़ियों को करेंगे ट्रेन। 3 फरवरी से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे आनंद। गुजरात के सामने दिखी दिल्ली की दबंगई। प्रो कबड्डी लीग में दिल्ली ने गुजरात को दी मात। जीत के साथ स्कोरबोर्ड पर पहले नंबर पर पहुंची दिल्ली। खेल जगत की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए टीपीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।